हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। और आज आपका भाई पहुंचा है कैंपी पर। यहां से हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, कृष्ण जी की नगरी। तो हाईवे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई इस तरह से कैंपी से होते हुए हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से हमने लिया यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे से हम होते हुए सीधे पहुंचे वृंदावन। इस तरह की हमारी जर्नी रही कुछ। और यहाँ पर हमने किया भाई सुबह का ब्रेकफास्ट। हेलो भाई, अभी मेरे को ड्राइव करते हुए हो गए लगभग 6 घंटे के आसपास, और टाइम अभी हुआ है 9:15 सुबह के। तो भाई सुबह घर से 3 बजे निकले थे, तो लगातार कंटिन्यू 6 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं वृंदावन। तो ये अभी हम हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर, वहाँ रुके हैं हम। यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का भी नाश्ता करेंगे, इसके बाद यहाँ से वृंदावन का कट नीचे 7 मई है, यहाँ से सीधे वृंदावन। यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर है, तो यानी कि हम कुल मिला के वृंदावन पहुँच चुके हैं। यहाँ उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे वृंदावन में, जो भी मंदिर है आज वो आपको दिखाएंगे। और भाई अभी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका भाई निकल पड़ा है वृंदावन की ओर। और ये मेरे बिल्कुल साथ साथ में है यमुना नदी, यमुना नदी के साथ साथ है ये रोड बिल्कुल। और यहाँ से हम एंटर करेंगे वृंदावन में। भाई वृंदावन में सुबह 9 बजे के बाद आपको बाजार की साइड एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमने अपनी गाड़ी लगा दी बाहर ही पार्किंग में, सरकारी पार्किंग है यहाँ पर मोड़ पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी भी यहाँ रात को 9:30 बजे तक खड़ी रही, उसके बाद हम लेके गए थे, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद ही आपको वृंदावन के अंदर एंट्री मिलेगी। तो इस तरह रोड है भाई। वहाँ से हमने ऑटो रिक्शा ली और उसमें हम अंदर गए। यहाँ से हम सबसे पहले गए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। तो भाई श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए हमने फैसला लिया कि भाई अभी यहाँ पर दर्शन करने का कोई फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कल सुबह आएंगे। तो हम यहाँ से वापस हो लिए निधि वन की ओर। राधा रानी की, बिहारी जी महाराज की। यह पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं। ये सारी गोपियाँ हैं, रात में पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं। जो भक्त यहाँ पर रात को देखता है वो आंखों से अंधा, कानों से बहरा, मुंह से गूंगा गुमर जाता है। रात को 8 बजे के बाद बंदर पक्षी ऑटोमेटिक समाधान करते हैं, सीधे हाथ में गले में पहनते हैं। वृंदावन हरि दाऊ जी महाराज, अन्न वाले को अन्न, धन वाले को धन, और पुत्र वाले को पुत्र से भंडार बढ़ती है। ये माला आपको दाऊ जी के मंदिर से मिलती है, जो आपको श्री कृष्ण का घर दिखलाएंगे बाहर। बोलो राधा रानी की, राधे राधे बोलती है। ये जो बांस की लकड़ी से बना हुआ जाल आप देख रहे हैं, ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखा जा सके बंदरों से। बंदर यहाँ पर उनके मोबाइल वगैरह छीन के ले जाते हैं, जो भी उनके पास पर्स वगैरह होता है वो छीन के ले जाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये जाल बना रखा है सारा। ना गोपियों के साथ जो वही जगह है, यहाँ पर स्वयं भगवान अपनी राधा रानी के साथ रास करते हैं। यहाँ पर निधिवन देखने के बाद भी अभी हम जा रहे हैं दाऊ भैया के घर, जो है बलराम जी का घर, नंद जी का घर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। और ये वो पेड़ है जहाँ पर वो खेला करते थे अक्सर यशोदा मैया उनके पीछे पीछे, और यहाँ से वो पेड़ के ऊपर चढ़कर घर की छत से कूद के भाग जाया करते थे। ये सारी वो जगह है यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं इस पेड़ के चारों तरफ। यमुना जी के नज़ारे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, और भीड़ देखो यहाँ पे कितनी है, काफी फेमस जगह है भाई ये भी। अभी चलते हैं, अभी बोटिंग करते हैं पहले यमुना जी में। तो ये बोट हमने निकाल ली है, इसमें चलते हैं यहाँ से भी। ये जो यमुना जी का तट है, ये जो श्री कृष्ण जी का घर था वृंदावन में, बिल्कुल उसकी बैक साइड में पड़ता है। और जो श्री कृष्णा नाटक में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया था, ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया है। यहाँ पर ही लोगों की मान्यता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण जी ने नाग का वध किया था।
तो इसके बाद आपको लेकर चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। हेलो एवरीवन, अभी हम पहुंचे हैं भाई इस्कॉन मंदिर। मंदिर के जो नज़ारे हैं इस तरह के हैं, देखो मेरे पीछे कितना प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा सुंदर मंदिर है भाई। भाई इस तरह का मेन व्यू है मंदिर का। अभी अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं। देखो भीड़ लगी है अभी फ़ोटो करने वालों की, इतना मंदिर में खूब भीड़ है। ये ऊपर मंदिर में घंटा लगा है वो सामने, ये देखो यहाँ पे, और इसको ये भाई रस्से के जरिए नीचे से बजा रहा है। अभी आपको लेकर चलते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी। ये तो मंदिर बहुत अच्छा था, मगर उस मंदिर के बारे में तो हमने सुना है भाई, यूट्यूब पे भी काफ़ी देखा है, वीडियो भी काफ़ी देखे हैं, तो बहुत प्यारा मंदिर है वो। तो अभी चलते हैं प्रेम मंदिर। ये हैं भाई वृंदावन की सड़कें, आज काफ़ी बरसात हुई है भाई, लगभग 4 बजे के आसपास से बरसात शुरू हो गई थी और अभी तक बरसात ही चली है यहाँ पे, तो लगभग 1 घंटे के आसपास बरसात हुई है। दोस्तों जब आप प्रेम मंदिर आओगे तो प्रेम मंदिर से जस्ट पहले ये चौपाटी नाम का एक यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना आपको बहुत बढ़िया मिलेगा भाई। बाकी वृंदावन में हमें इतना अच्छा खाना नहीं मिला, यहाँ पर अच्छा खाना मिला। और हम पहुंच चुके हैं अभी प्रेम मंदिर, ये आपको सामने दिखाई देगा प्रेम मंदिर। ओ
ओ भाई प्रेम मंदिर के अंदर का सीन ना गजब है भाई, गजब। अभी दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा सीन है यहाँ का। वो सामने देखो प्रेम मंदिर कितना लाजवाब है भैया, गजब है भाई गजब। आपने आगरा में ताजमहल तो देखा होगा, उससे कम नहीं इसको बोल सकते भाई, ताजमहल से कम नहीं बोल सकते इसको, उससे भी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखो जो वाटिका यहाँ पे बनाई गई है कितनी प्यारी वाटिका है, ये देखो इस साइड में। अभी भीड़ देखो भाई मंदिर में कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लाइटें वगैरह जलती हैं तो काफ़ी सुंदर दिखता है मंदिर। ये अभी भी सुंदर दिखता है मगर शाम के टाइम लाइटें ऑन हो जाएंगी ना, अभी लगभग आधे घंटे एक घंटे बाद तो और प्यारा दृश्य होगा इसका, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मंदिर में ही है शाम तक, तो आगे का भी दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ भाई। इस मंदिर का जो निर्माण था जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। लगभग 1000 मजदूरों ने इस मंदिर पर 11 से 12 साल तक लगातार काम किया है। और भाई इस मंदिर में जो पत्थर आपको व्हाइट रंग का दिखाई दिया है ये है संगमरमर, जो कि इटली से मंगाया गया था। और बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो इसकी 125 फीट की ऊंचाई है और लंबाई है 122 फीट और लगभग 115 फीट के आसपास इस मंदिर की टोटल चौड़ाई है। दोस्तों ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है और इस मंदिर पर भीड़ जब होती है वो होती है सबसे ज़्यादा दिवाली पर और होली पर, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है इस मंदिर में। जब आप इस मंदिर को देखने आओगे तो दिन के टाइम ये मंदिर आपको बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा और शाम को इस मंदिर में आपको अलग अलग रंग दिखेंगे भाई, बड़ा खूबसूरत मंदिर है ये। ये यहाँ पर दिखाया हुआ भाई कि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठा रखा था और ऊपर से जो बरसातें हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज पानी आ रहा था, उससे बचाने के लिए सारे ग्वाले जो थे गांव वाले जो सारे थे वो नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं। देखो इस सीन में पूरा दिखाया हुआ है, बहुत प्यारा सीन लग रहा है भाई। गाँव वाले भी देखो डंडे के साथ ऊपर उठाए हुए हैं गोवर्धन पर्वत को, ये देख सकते हैं आप पूरे पर्वत पे। फिर बीच में जो ये दिखा रखे हैं लोग लाठी इन्होंने लगा रखी है नीचे पर्वत के, ये ही स्पोर्ट है, बाकी कोई स्पोर्ट नहीं है, एक उंगली की स्पोर्ट है। अगर आपको कोई स्पोर्ट दिखे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को जरूर बताएं कि ये स्पोर्ट आपको दिखी है। थक गया। का सीन देखो भाई, लाइटें ऑन हुई हैं अभी मंदिर में जस्ट अभी, तो कितना प्यारा सीन है भाई प्रेम मंदिर का, गजब है। अभी यहाँ पर भाई प्रेम मंदिर में डांस चला हुआ है वो आपको दिखाता हूँ, और कोई यात्रा सी निकाली हुई है किसी चीज़ की जो मंदिर में परिक्रमा करते हैं, इसकी प्रेम मंदिर के चारों तरफ लेके घूमते हैं। ये देखो सामने भैया ये दिखाता हूँ आपको, देखो कितना गजब। यहाँ पे गोपियाँ और श्री कृष्ण रासलीला करते हुए दिखाए गए हैं भाई, ये देखो
किस तरह से बनाए गए हैं, ये घूम रहे हैं, ये पुतले जो हैं, मूर्तियां जो है श्री कृष्ण की और गोपियों की घूम रही हैं। तो जो भी मेरा भाई भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को ये जरूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर अच्छा ना लगा भाई तो भी चैनल को शेयर जरूर कर देना भाई, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं भाई कल सुबह मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।